अच्छा जी uh, हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर uh, पे से पेज फिफ्टी नाइन है ठीक है यहाँ से तो, normal, uh, ठीक है? तो जब ऑब हो जाती है उसके बाद हमें पता है कि रिमेनिंग फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है ठीक है और प्रोजेस्ट्रॉन जो है इट बेसिकली इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ठीक है इनिशियली एस्ट्रोजन uh, ने एंडोमेट्रियम की अच्छी खासी जो है वो ग्रोथ कर दी थी ओव्यूलेशन से पहले पहले टू गेट इट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन तो उसके बाद जब uh, अब एस्ट्रोजन चला गया प्रोजेस्ट्रोल के लेवल्स हाई हो गए तो द प्रोजेस्ट्रॉन नीड्स टू मेंटेन दैट एरिया ठीक है ताकि वहां पे जब इम्प्लांटेशन हो तो सब काम सेट चले ठीक है तो उस दौरान uh, क्या होता है जो ब्लास्टोसिस्ट uh, जो इम्प्लांट हो जाता है तो वो एच रिलीज करता है तो द एच सी जी कीप्स द कॉर्पस लूटियम गोइंग ठीक है वो उसको लुटियोलाइसिस से बचा लेता है और वो मेंटेन करता है प्रोजेस्टोन की सिक्रीशन तो अप्रोक्सीमेटली एट टू टेन वीक्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम उसको सपोर्ट कर रहा होता है प्रेगनेंसी को और उसके बाद जो हमारे पास प्रसेंट्रल टिश्यू है उसके बाद वो जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना शुरू कर देता है ठीक है ना तो जैसे कुछ केसेस में कुछ लोगों को कंसीव uh, करने में मुश्किल होती है उनका मिसकैज बार बार हो रहा होता है तो उसमें क्या करते हैं कि आप प्रोजेस्ट्रोन जो है एज अ सपोर्ट दे सकते हैं जब तक वो इम्प्लान प्रॉपर ना हो जाए तो ये है कि आप फर्स्ट टेन वीक्स तक जो है उसको सपोर्ट दे सकते हैं उसके बाद जो है आफ्टर द टोफो ब्लास्टिक टिश्यू आफ्टर द प्लेसेंटल टिश्यू टेक्स ओवर तो उसके बाद आपको एक्सेसिव सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है ठीक है अच्छा द एस एच जो है वो डिटेक्ट uh, की जा सकती है यूरिन में uh, वन टू टू डेज बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेन्स्ट्रिएशन ठीक है तो बिफोर द नेक्स्ट पीरियड उससे एक दो दिन पहले तक भी एच सी जी डिटेक्ट हो जाती है लेकिन ऑब्वियसली फीमेल्स जो हैं वो तब तक नहीं प्रेगनेंसी टेस्ट करती जब तक उनका एक आधा पीरियड मिस ना हो जाए लेकिन अगर कभी कभार जो ऑब्वियसली जिन्होंने स्केड्यूल बनाया है जिनको दे रियली टू कंसीव तो उनको पता होता है कि यू नो दिस वॉज द डेट दैट आई ट्राइड

तो आई वॉन्ट यू गाइज कि जब हम ये जो टाइप्स ऑफ मेस्कै जिसका टेबल है टेबल फाइव पॉइंट वन तो आप यहाँ इसके ऊपर लिख लें बायो केमिकल प्रेगनेंसी और अल्ट्रासाउंड स्कैन फाइंडिंग्स पे दे विल बी नन ठीक है और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बस यही योगी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देन गॉट नॉर्मल पीरियड्स एंड देन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव और उसमें मैनेजमेंट आप देंगे रीअश्योरेंस देंगे ठीक है उसको रीअ्योरेंस देंगे because obviously जो कंसीव करने की कोशिश कर रही है शी वॉन्ट सो बैडली टू गेट प्रेगनेंट तो उसका एकदम जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा फिर उसको पीरियड्स भी हो जाएंगे फिर वो नेगेटिव हो जाएगा तो ये बहुत मेंटली स्ट्रेसफुल है तो ये आप इस टेबल को यहाँ पे कंप्लीट कर लें ठीक है ताकि आपको जब रिविजन करनी हो तो वो बार बार रीड ना करना पड़े ठीक है तो अब उन्होंने आगे बताया वे कि हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं जो ट्रांसफा अल्ट्रासाउंड है वो अर्ली इंटर यूट्राइन स्टेशन सैक को देख सकते हैं अराउंड फाइव वीक्स और फाइव टू सिक्स वीक्स के अंदर जो और योग सैक भी फाइव वीक्स तक नजर आ जाता है और फाइव टू सिक्स वीक्स के अंदर जो है आपको फीटल हार्ट बीट भी पता चल जाती है आई रिपीट दैट ओके बायोकेमिकल प्रेगनेंसी वाला पार्ट जो है वो मैं रिपीट कर देती हूँ टाइप्स ऑफ मिसकैरेज इट्स नॉट अ टाइप ऑफ मिसकेरेज एग्जैक्टली बट जस्ट टू कम्प्लीट

और उसके अंदर मैनेजमेंट क्या है रीअश्योरेंस ठीक है तो ये इस टेबल को ऐसे आप कर लीजिए ओके अब ट्रांसफर अल्ट्र, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें प्रेगनेंसी मिल जाती है फिफ्थ वीक तक और फाइव टू सिक्स वीक्स के अंदर हमें सॉरी जस्टेशनोल सैक फिफ्थ वीक तक मिल जाता है योग सैक भी फिफ्थ वीक तक मिल जाता है और फाइव टू सिक्स वीक्स तक आपको फीटल हार्ट बीट मिल जाती है ठीक है एम्ब्रियो एंड फीटल हार्ट बीट आपको फाइव टू सिक्स वीक्स तक मिल जाती है तो इसमें देर इज़ वन थिंग टू रिमेबर कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में सीरम एच सी जी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर दैन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होनी चाहिए जब वो ये जैसे हमने कहा ना कि फाइव टू सिक्स वीक्स तक हमारी प्रेगनेंसी ट्रांसफर अल्ट्रासाउंड पे कन्फर्म हो जाती है तो उस लेवल पे उस टाइम पीरियड पर मोर देन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हमारे एच सी जी को होना चाहिए ठीक है ये या आपने याद रखना है क्योंकि एमसी क्यूज में वो बताते हैं तो ये वाले लेवल्स अक्सर या बहुत ज्यादा हो जाते हैं जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी में कुछ और प्रेगनेंसीज में बहुत ज्यादा होंगे और ये वाले लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है ठीक है फिर अर्ली स्टेजेज ऑफ इंटर प्रेगनेंसीज में जो एच सी जी का लेवल है वो एवरी फोर्टी एट आवर्स डबल होगा ये भी आपने याद रखना है कुछ दे कुड गिव कुरियो लाइक उसका जो है एक दिन में डबल हो गया एच सी जी का लेवल दैट मीन्स वो बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रहा है दैट नॉट नॉर्मल या फिर एच सी जी का लेवल चार दिनों में डबल हुआ है तो दैट्स टू स्लो ठीक है तो उस हिसाब से आपने याद रखना है फिर उन्हें बताया कि जो हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ कंसेप्शन तो अगर उसको हमने सिक्स वीक्स प्रेग्नेंट बताया है तो इट मीन्स के शी कंसीव फोर वीक्स प्रीवियसली ठीक है क्योंकि दो हफ्तों के बाद मतलब फोर्टीन डे पे होती है ना ऑग्यूडेशन तो मतलब उसने तब कंसीव किया था तो ये आपको ये डिफरेंस जो है पता होना चाहिए सिक्स वीक्स प्रेगनेंट मीन्स शी कंसीव फोर वीक्स प्रीवियसली ठीक है

और अब ये टाइप्स ऑफ मिस इनको आपने इतना अच्छा रट्टा लगाना है ना कि आपका एम आए और एम खत्म का सिनाइयो खत्म होने से पहले ही आपको पता चल जाए कौन से टाइप का मिस है इतना अच्छा आपको ये याद होना चाहिए थ्रेट एंड क्या है थ्रेटेंड मतलब के डर लग रहा है कि अभी हो जाएगा ठीक है तो इसमें जरूरी नहीं है कि उसको अभी मिस हो गया मतलब उसका फीचर्स वाइब वायबिलिटी खत्म हो गया तो इट मीन्स दैट शी हैज एन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी विद अ फीटल हार्ट बीट ये एफ एच आई फीटल हार्ट बीट को कर रहा है फीटस की हार्ट बीट है इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है और वो प्रेजेंट करेगी विद विदल ब्लीडिंग एंड एबडोमल पेन ठीक है और आप उसका स्पेक्युल एग्जामिनेशन जब करोगे तो उसकी सर्विकल ऑस जो है वो क्लोज होगी तो इसमें आपने मैनेजमेंट क्या देना है सपोर्टिव सपोर्टिव मतलब आपने उसको रीअश्योर करना है कि देखें सर्विकल ऑस क्लोज है आपका ना लेकिन चांस ऑफ मिसकैरिक जो है वो बढ़ गया है तो आप अपना बेड रेस्ट लें आप ज्यादा जो है हैवी लिफ्ट ना करें ऑब्जेक्ट्स आप अपनी डाइट को बेहतर कर लें आप सप्लीमेंट्स लें ऑल ऑफ दैट स्टफ यू हैव टू टेल है ठीक है और उसको उसके साथ मेंटली प्रिपेयर भी करें कि अब आपका चांस जो है वो इंक्रीज हो गया ठीक है लेकिन एट दिस पॉइंट उसका uh, मतलब होप अभी खत्म नहीं हुई ये नहीं है कि अब उसका बेबी नहीं हो सकता ठीक है, है और एट दिस पॉइंट सपोर्टिव मैनेजमेंट के अलावा अगर आपको लग रहा है कोई और कॉज है उसकी ब्लीडिंग और एबडोमल पेन की तो आप उसको भी असेस करोगे ठीक है लेकिन इसमें याद है कि सर्विकल ऑस इज क्लोज एंड देर इज अ फीटल हार्ट बीट प्रेजेंट फिर हमारे पास इन एविटेबल इनबल मतलब अब तो मतलब होना ही होना है ठीक है इज नो सेविंग दैट बेबी तो इसमें इंटर प्रेगनेंसी होगी एंड इज नो फीटल हार्ट बीट जाहिर सी बात है इफ इज नो हार्ट बीट द वायबिलिटी इज डन देर इज इज ओवर देर इज नथिंग टू बी डन ओवर हियर इसमें भी अगेन द पेशेंट विल प्रेजेंट विद ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन लेकिन जब आप स्पेक्लम पे एग्जामिनेशन करेंगे तो सर्विकल ऑस जो है इट विल बी ओपन ठीक है अब इसमें तीन किस्म की मैनेजमेंट है हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी दे सकते हैं हम मेडिकल भी दे सकते हैं और सर्जिकल एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में ये है कि इट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट फॉर दिस इसमें क्या है कि अब उनकी ब्लीडिंग हो गई है ठीक है एंड मोस्ट प्रॉबली उनकी ब्लीडिंग विद क्लॉट्स होगी और तो जो मटीरियल था वो निकल चुका है सारा ठीक है और हमें आ, इवन मतलब हमने स्पेक्युल एग्जामिनेशन कर दिया तो हमें हम अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है ये है कि आफ्टर इफ़ शी इज हिमोडाइनमिकली स्टेबल एंड उनके वाइटल साइंस भी सब ठीक हैं और बाकी सब ठीक है और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी नहीं है तो उनको हम बस घर भेज देंगे मतलब वी विल टेल हर दैट यू नो योर प्रेगनेंसी इज ओवर उनको हम घर भेज देंगे एंड शी वी विल आस्क हर टू टेक प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर थ्री वीक्स ठीक है आफ्टर थ्री वीक्स वो प्रेगनेंसी टेस्ट लें और अगर वो पॉजिटिव आता है फिर वो हमारे पास वापस आए अगर थ्री वीक्स के बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट लेती हैं और उनका नेगेटिव आता है तो कोई मसला नहीं है ठीक है बिकॉज मोस्ट बॉडी ने खुद ही सारे एक्सपेल कर दिए हैं फिर मेडिकल मैनेजमेंट में यह क्या है कि कि ये ये है अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि सीइंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट ठीक है तो अक्सर क्या है कि हम उनको एडमिनिस्टर कर देते हैं कोई विजैनल या सबलिंगुअल डोज

ठीक है तो हम उनको मेडिकली भी ये मेडिसिन दे सकते हैं और हम उनको फिर घर भेज देते हैं ठीक है फिर अब आगे हम इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह भी करेंगे इस मेडिकेशन की फिर एंड पे आती है हमारे पास सर्जिकल सर्जिकल का मैंने बहुत दफा आपको वो डीएनसी मेंशन किया हुआ है डायलिटेशन एंड क्यूटाज इन्होंने यहाँ पे लिखा होता था इज प्रोसीजर uh, में सक्शन एंड मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन अंडर लोकल एनेस्थेटिक ठीक है मै मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कर सकते हैं ये हम आगे जो है ना ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो जब टेक्स्ट में आता है तो हम इसको रीड कर लेंगे अच्छे से तो ये तीन टाइप्स की मैनेजमेंट है एक हमारे पास एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है हम उसको घर भेज दें और उससे कहें तीन हफ्ते बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करे और फिर वो अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास आए फिर मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल फिर इनकम्प्लीट मिसकैरेज क्या है

ठीक है देर विल बी सम मेटीरियल ओवर देयर तो आपने क्या करना है एट द द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपने रिमूव करना है टिश्यू एज मच एज पॉसिबल ठीक है अगर उस टाइम पे रिमूव हो जाता है तो फिर आप उसको घर भेज देंगे और उससे कहेंगे कि थ्री वीक्स बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट ले वापस आए ताकि हम आगे फर्दर कर सके मेडिकल में अगेन यू कैन गिव हर मीजो या वेजाइनल या वो आती है सब डोज आती है इसकी या फिर आप सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब वैक्यूम सक्शन uh, की तरफ जा सकते हैं ठीक है और लेकिन मतलब हमारी सेटिंग में मैंने इसका भी डीएनसी होते ही देखा है रिटेन ऑफ का, ठीक है? फिर कंप्लीट मिस कैरेज क्या है uh, सारा जो uh, क्या कह सकते हैं सारी जो अचर्स uh, की जो भी इम्प्लांटेशन हुई जो भी था अब वो सब निकल चुका है ठीक है द यूट्रेस इज नाउ एम्प्टी एंड uh, आपने सीरम एच सी जी लेवल्स कराने होते हैं ताकि एक टॉपिक प्रेगनेंसी uh, को एक्सक्लूड कर सकें ठीक है बिकॉज ऑबली आप जो ट्रांसफर जाना अल्ट्रासाउंड है वो आप सिर्फ यूट्रस में चेक कर रहे हो कि इफ़ देर इज प्रेगनेंसी और नॉट आप दूसरी जगहों पे कभी कोई एडनेक्सल मैथ वगैरह आप देख लेते हो लेकिन uh, फिर भी रूल आउट करने के लिए आप सीडम एच सी जी कराते हो ठीक है फिर तब तक जो है पेन एंड ब्लीडिंग जो है वो रिजोल्व हो चुकी होती है और सर्विकल ऑस वापस क्लोज हो चुका होता है मतलब जो सारा कंप्लीट मिसकैरेज ना जो सारा मिसकैरेज होना था वो हो चुका है इसकी मैनेजमेंट भी आप सपोर्टिव देते हो बिकॉज मतलब ये मिसकैरेज इज वेरी ट्रोमैटिक फॉर अ फीमेल और फॉर अ फैमिली ठीक है तो जो कपल जो हैं वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नए भी कंसीव करने की कोशिश करें बट व्हेन दे फाइंड आउट दे हैव मिसकैरीड तो ये बहुत ट्रोमैटिक चीज है तो आपको उनको अच्छे से इसके बारे में कौंसिल करना है ठीक है काउंसलिंग की भी आगे हम बात करते हैं कैसे क्या क्या उनसे बातें कहनी है और कैसे उनको काउंसिल करना है फिर मिस्ड मिस कैरेज हमारे पास है ठीक है मिस्ड मिस कैरेज का मतलब ये है कि मिस कैरी हो गई उसकी प्रेगनेंसी मतलब इंट्रा इंट्राट्राइन प्रेगनेंसी देर वॉज नो फीटल हार्ट रेट मतलब जो फीटर्स है इट्स नॉट वायबल लेकिन उसको पता नहीं चला शी शीज एसिम्टोमैटिक ठीक है तो uh, वो उसका क्या मतलब जैसे यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया बी टाइस्ट मतलब था ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम में तो लिए, लिए, like you know, like, oh, उन्होंने चेक किया तो उस पॉइंट पे देर वो फीटल हार्ट बीट तो दिस इज वट वी कॉल अस कैरेज और ये एक्सट्रीमली ट्रामेटिक होता है बिकॉज uh, जब वेल ब्लीज ऑलरेडी हाफ हाफ मतलब शी इज एक्सपेक्टिंग शायद मिस कैरी तो नहीं हो गया तो फिर वो पैनिक में हॉस्पिटल आती है बट ये ये वाली जो missed miscarriage वाली आएगी तो शी विल ऑबियसली शी thinks शी इज एक्सपेक्टिंग तो जब उसको पता चलेगा शी इज नो लॉन्गर तो फिर ये बहुत ज्यादा traumatic है तो इसकी भी अगेन expectant मेडिकल एंड सर्जिकल options इसमें भी हम चाहते हैं कि जो fetus का जो material है वो एक्सपेल हो जाए completely विदाउट एनी infection विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन और साथ में फिर हम इसको काउंसलिंग भी देंगे ठीक है uh, वैसे भी सारे केसेस में हमने काउंसलिंग तो देनी ऑन देनी ठीक है, uh, uh, है तो अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं टॉप पे we had biochemical pregnancy. फिर कंप्लीट मिसकैरेज uh, को रिपीट कर दें कंप्लीट मिसकैरेज इज ठीक है शी हैड ब्लीडिंग शी हैड पेन ठीक है बट शी था नो मे बी दिस इज मे बी दिस इज नॉर्मल और मे बी ये क्योंकि ओबियसली इम्प्लान ब्लीडिंग भी होती है और फर्स्ट सेमेस्टर में तो वैसे ही पर बजाना ब्लीडिंग इतनी कॉमन है ना कि कुछ लेडीज को लगता है कि नो दिस इज नॉर्मल और समथिंग तो जैसे वो अब अगली दफा आई चेक कराने तो अल्ट्रासाउंड पे एम्टी यूट्रस मिलेगा ठीक है आप एच सी जी सीरम एच सी जी कराओगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए um, फिर आप क्या करोगे आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन के ऊपर जब चेक करोगे तो सर्विकल ऑस क्लोज हो चुकी होगी मतलब मिसकैरेज हो गया सारे कॉन्टेंट्स बाहर आ गए और सर्विकल ऑस वापस क्लोज होगी तो उस केस में फिर आप उसको सपोर्टिव मैनेजमेंट दोगे सिर्फ ठीक है आप उसको रीअश्योर करोगे न्यूर ऑब्वियसली सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड ईजी वे टू रिमेम्बर दिज इज जस्ट बाय द नेम इट सेल्फ ठीक है जस्ट जस्ट थिंक अबाउट ये जो इसका नेम है इसका एक्चुअल मतलब क्या है ठीक है थ्रेटन मीन्स कि अभी वो मिसकैरी नहीं हुआ इट हैज़ अ हार्ट हार्ट बीट लेकिन हो सकता है ठीक है मतलब बजाय ब्लीडिंग है और एबल पेन है अभी वो हुआ नहीं है विच मीन्स हार्ट बीट भी है और सर्विकल ऑसक्लोज है फिर इनएविटेबल है कि the fetal there is no longer a fetal heart rate theek hai the fetus is no longer viable to usne miscarriage hona hi hona hai to us case mein cervical os open ho jayegi fir incomplete aur complete ko easy hai ye ki incomplete mein there was vaginal bleeding theek hai लेकिन थोड़ा सा निकला है थोड़ा रह गया तो retained products of conception है complete में है कि सब कुछ निकल गया है और वापस os जो है वो close हो गई है फिर मिस्ट को आप थोड़ा सेपरेटली याद रखें कि कि में ये है द फीमेल इज रखेंटिको शी नो शी जस्ट हैड अ पॉजिटिव टेस्ट शी शोड अप और उसकी प्रेगनेंसी में कोई हार्ट रेट नहीं मिला ठीक है उसकी इंट्रा यूटाइन uh, कोई हार्ट रेट नहीं मिला तो इसका भी फिर अभी तक कॉन्टेंट्स अंदर ही हैं उनको हमने निकालना होगा uh, लेकिन यह कि उसकी भी ऑस सर्विक्लोज होगी लेकिन हार्ट रेट नहीं होगा और उसको पता नहीं चला होगा दे विल हैव बीन नो ब्लीडिंग to indicate it. Uh, I टू इंडिकेटेड आई विश आई लाइक और समथिंग to रिमेम्बर दिस अगर किसी के पास है तो वो मैसेज कर सकते हैं uh, चैट में लेकिन मैं तो इसी तरह उसके नाम से ही याद रखा हुआ की कैसे और क्या है ठीक है अब हम uh, थोड़ा सा टेक्स्ट को देख लेते हैं आगे ही um, अच्छा, uh, क्या है मिसकैरेजेस की क्रोमोसोमल कोई अब नॉर्मैलिटी हो सकती है फीचर्स की ठीक है या uh, yeah, कोई मेडिकली एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है मदर को uh, कोई यूट्राइन नॉमैलिटीज हो सकती हैं जैसे कि हमने देखा था सेप्टेट हो सकता है या देयर इज अ लॉट ऑफ ऑफ डिफरेंट शेप्स द यूट्रस जो याबनॉर्मैलिटी में आते हैं मलेरियन डक्ट्स की प्रॉपर फ्यूजन या कुछ भी इन्फेक्शन हो सकती है मदर को स्पेशली uh, जैसे जिसको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेल्विक पेल्विकामेटरी डिजीज हो या किसी को कोई एस टी डी हो फिर ड्रग्स या कोई केमिकल्स वो ऐसे यू नो मे बी शी इज़ स्मोकिंग्रिंकिंग और या कोई उसकी ऐसी मेडिकेशन है इज़ ठीक है तो इन्वेस्टिगेशन में हम ऑलरेडी देख लिए ट्रांसफर चैनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और uh, हम इट डिपेंड्स ऑन द ब्लड लॉस अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है uh, तो आप क्रॉस मैचिंग भी करते हैं ठीक है आप उसका एफ बी सी लेंगे और क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड भेज देंगे अच्छा आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप उसको घर भेज देते हैं के आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट लें और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आप ब्लीड करें तो उनको आपको सर्जरी में भेजना पड़ेगा फिर मेडिकल अगेन इफ यू थिंक इट इज अप्रोप्रियट तो आप विजाइनर या सबिंग uh, डोज देंगे मीजोप्रोस्टॉल की और uh, कुछ लोग लिखा हुआ कि दे यूज फ्री ट्रीटमेंट

स्कैन और एनी थिंग उसका जो है बाद में थ्री वीक्स आफ्टर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपने उसको चेक करना है दोबारा फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए होती है अगर ये जो पिछली मेडिकल ट्रीटमेंट है ये फेल कर जाए ठीक है तो मतलब ऑब्वियसली जैसे एक्सपेक्टेड uh, uh, के लिए आपने उससे कहा था थ्री वीक्स का या मेडिकल के लिए आपने उससे कहा था कि थ्री वीक्स बाद आना अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो अब वो वापस आ गए

कुछ भी नहीं अंदर डाल सकते और अगर आप डालेंगे तो आप बहुत ट्रॉमा और हेमरेज कॉज करेंगे ठीक है अच्छा एंड सर्जिकल मैनेजमेंट तब भी करते हैं कि अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट ही बहुत ज्यादा ब्लीडिंग uh, के साथ कर रही है कि वो हीमोडानेमिकली अनस्टेबल है तो फिर हम उसको फ़ौरन जो है uh, उसको रिससिटेट करेंगे पहले फिर हम उसको ब्लड uh, लगाएंगे ब्लड क्रॉस मैचिंग वगैरह वो सब जो हमने पहले देख लिए और फिर हम उसको फॉरन जो है सर्जिकल उसकी ट्रीटमेंट देंगे वाइल और काउंसलिंग और काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि बहुत डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है तो हमने पहले उनको बताना है कि ये जो आपका मिस कैरेज है ठीक है ये बार बार नहीं होता और ये वन इन एट फीमेल्स में मिस कैरेज हो जाता है So out of all the females who get pregnant in the world, one in eight miscarry at some point. Okay, so this is unfortunately a very common thing. And this is just implantation failure is very normal. And inshallah uh, next time, you know, you can conceive again. And you can tell them, you know, your reproductive system is perfectly fine. You can conceive again. और अगर uh, मतलब उनको बार बार ये बताएं कि एक नॉन रिकरेंट चीज है ठीक है एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट फॉल्टे हो गया ये बहुत कॉमन है और ये हो जाता है तो ये दो तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं एंड अगेन आपने उनके पार्टनर को भी काउंसिल करना है ठीक है टू एंड जस्ट लाइक पार्टनर नो के वो जो फीमेल है शी विल गो थ्रू डिप्रेशन एंड एंगजाइटी ड्यूरिंग दिस टाइम और उसको बताना है कि हाउ टू सपोर्ट हर ठीक है ऑब्वियसली द पार्टनर विल डिस्ट्रेस्ड एज वेल Uh, but he has to, they have to support each other. But you have to counsel your partner. No voice. Uh, can you guys hear me now? Okay. In the case that there is a recurrent miscarriage, recurrent miscarriage means more than uh, three. अच्छा रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके रिस्क फैक्टर्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए रिस्क uh, फैक्टर्स हैं एडवांसिंग मेटरनल या पेटरनल एज ठीक है अच्छा मुझे कौन बता सकता है की एडवांसिंग मेटरनल एज के साथ कौन सी जेनेटिक uh, एबनॉर्मैलिटी uh, होती है और पेटर एडवांसिंग पेटर्नल एज के साथ क्या होती है पहले आप है, कि मेटर एज अगर ज्यादा हो रही है तो स्पेशली कौन सी जेनेटिक जो है हमारे पास एबनॉमालिटी ज्यादा आती है इट्स ऑटिज्मीक yeah. uh, है तो ये दो आप चीजें एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें मेटर्नल एज के साथ ऑटिज्म एंड एडवांसिंग मेटर्नल एज के साथ डाउंस देर आर मैनी मोर बाय द वे बट ये दो जो हैं ये मैंने खुद देखी है कि बहुत पूछा हुआ है ठीक है फिर ओबेसिटी इफ द वुमेन्स बी एम आई एसपेलीज मोर देन थर्टी फाइव फिर काफी मिसकैच का चांस इंक्रीज हो जाता है uh, कोई क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन अगेन ये इसमें डाउनस और ये सब कुछ आ जाता है फिर यूट्राइन स्ट्रक्चरल अनोमिलीज हैं उनकी कोई याद रखना है अच्छा इन्वेस्टिगेश जो हम एंटी के लिए करते हैं वो है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज और यूट्रस की इमेजिंग ठीक है और अगर उनका अब तीन उनके थ्री और मोर जो है लॉस ऑफ प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं तो अब जब नेक्स्ट लॉस ऑफ प्रेगनेंसी होगी तो हम जो उसका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था उसको हम एनालिसिस के लिए भेजेंगे और दोनों पेरेंट्स का जो है आप ब्लड लेके उसको भी कैरियो के लिए भेजेंगे ठीक है क्या हमने किया हमने जो आसमी uh, की पैथोफिजियोलॉजी uh, हम ये एंड पे देख लेते हैं ठीक है लेट्स जस्ट फिनिश ऑफ विद ए टॉपिक प्रेगनेंसी एंड ठीक है ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट अगर कोई इम्प्लांटेशन का इशू हो रहा है तो आप फर्स्ट टेन वीक्स तक प्रोजेस्टॉन दे सकते हैं अनटिल द प्लसेंटल टिश्यू टेक्स ओवर ठीक है मतलब कॉर्प लुटियम ने फर्स्ट एट टू तो टेन तो वीक्स प्रेगनेंसी को वो करना था मेनटेन तो हम उस दौरान जो है प्रोजेस्ट्रोन दे देंगे टू हेल्प विद द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड विद द इम्प्लांटेशन स्टेज और फिर उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं मतलब आप

अच्छा प्रेगनेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बड़ा सा यहाँ स्टार बना लें ठीक है uh, ये काफी पूछा जाता है और ये काफी अनफॉर्चुनेटली ये कॉमन भी है तो इन्होंने लिखा हुआ इन प्रेगनेंसीज है और एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने इसके करने हैं मेन जो है तीन है एक है uh, 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 कोई डैमेज हुआ था बिकॉज ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन ठीक है तो उसमें क्लेमेडिया गोनोरिया सारे एस टी डी आ जाते हैं फिर कोई प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो फिर अब चांस इंक्रीज हो जाता है या कोई प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हो तो चांस इंक्रीज है फिर स्मोकिंग uh, या इंक्रीज मेटर एज की वजह से कोई ऑल्ट्रेशन आ जाती हैं उसके अलावा कोई प्रीवियस एबिनल सर्जरी हुई हो स्पेशली अपडेक्टमी या सी सेक्शन ठीक है सी uh, सेक्शन के बाद एक तो एडिजन भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं दे ऑल्सो कॉज एन इश्यू फिर सब फर्टिलिटी हो सकती है या आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे सब फर्टिलिटी का आई वी एफ यूज किया हो सकता है पहले कोई आईयूडी रखा हो सकता है हम आगे कॉन्ट्रसेप्शन में भी पढ़ेंगे कि अगर आईयूडी के साथ इनफैक्ट अभी मैं बता देती हूँ अगर आपने वो आईयूडी रखी हुई है तो आईयूडी uh, की मैं शेप ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ तो ये टी शेप की एक डिवाइस होती है ठीक है तो ये आपने जो है इसको आपने यूट्रस में रखा हुआ है एज अ मोड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन ठीक है हमारे पास दो होती हैं एक कॉपर होती है और एक वो होती है मेडिकेटेड uh, ठीक है uh, तो बोथ कैन बी यूज बोथ आर यूज अच्छा अब इसमें क्या है कि यस वी कॉल इट द जेस्ट्रेल इंट्रा यूट्राइन सिस्टम जिसको या यस ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए मैंने बताया नहीं अभी लेकिन इट्स इट्स कॉल्ड एल एन जी आई यू एस ठीक है इसको हम इसका वो ट्रेड नेम मायरीना है uh, अच्छा इसमें क्या है ये यूट्रेस है हमारा ठीक है तो इसमें आपने ये रखी हुई है ताकि यहाँ कुछ इम्प्लांट ना हो सके अब क्या हुआ कि इम्प्लांट हो गया ठीक है तो ऑब्वियसली अब ये जो है फीटस एक तो इसको इसके साथ कम्पीट करना है इस डिवाइस के साथ फॉर स्पेस और अभी भी इसकी इम्प्लांटेशन में मसला कर रही होगी ठीक है और वैसे भी जो मेडिकेटेड होती हैं कॉपर में क्या होता है हमारी जो यहाँ पे है ना तो इसके बावजूद तो क्योंकि यहाँ इन्फ्लेमेशन हुई भी है ठीक है ना फिर मेडिकेटेड में भी ये है की बंच ऑफ थिंग्स दैट है वो हम आगे देखेंगे देर आर बेसिक थ्री थिंग्स जिसकी वजह से Uh, रुक anyway, अब फीचर्स जो है वो ग्रो कर रहा है कर रहा है, कर रहा है है कर और ये डिवाइस भी साथ में पड़ी हुई है ठीक है के बाहर पड़ी हुई है तो हमने क्या करना है सिंपली इसका एक स्ट्रिंग होता है हमने इसको स्ट्रिंग खींच के बस निकाल लेना है एस सून एज वी फाइंड आउट द दुम इज प्रेगनेंट ठीक है इतनी सिंपल चीज की है इसको ज्यादा देर तक आप अंदर ना रहें दें जैसे ही आपने वो

अगर उसने कोई कोईल कॉन्ट्रोसेप्टि ले ली है या मॉर्निंग आफ्टर पिल ली है उसके बावजूद भी वी विनो देर अ फेलियर रेट तो उस केस में जो है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने का चांस ज्यादा हो जाता है ऑब्वियसली उसको जहां इम्प्लांट बनता था वहां तो उसको जगह मिल नहीं रही तो फिर वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बन जाएगी ठीक है लेकिन अगर वो यूटरस में इम्प्लांट हो जाती है तो जस्ट जस्ट पुल द आउट एंड द प्रेगनेंसी शुड बी फाइन अच्छा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है इसकी देर इज़ एबडामल पेन और इसमें काफ़ी uh, ज़्यादा सिवियर पेन होती है देर इज़ायल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी अच्छा आई वॉन्ट यू गैस टू रिमेंबर कि अर्ली प्रेगनेंसी में विजाइल ब्लीडिंग इज़ वेरी वेरी नॉर्मल ठीक है अलॉट ऑफ पीपल डू गेट स्पॉटिंग इम्प्लान ब्लीडिंग भी होती है वैसे भी हो जाती है तो इट्स वेरी नॉर्मल लेकिन जो है अगर पेशेंट आकर उस प्रेजेंट करिए इट मीनस दैट उस उसकी इतनी ज्यादा हो रही है कि she's scared. तो वैलिड uh, टू चेक ठीक है डोंट जस्ट मतलब चेक किए बगैर ही ना उसको कह दे कि नहीं ऐसे तो नॉर्मल होता है यू मस्ट चेक वाई है अच्छा अब उसके अलावा पेशेंट्स जो हैं अगर हीमोडा

ठीक है उसके अलावा हाइपोविलीम एक शॉक भी हो सकता है पेशेंट को बिकॉज शी इज लूजिंग ऑल दैट ब्लड फ्रॉम हर सर्कुलेशन इन टू दोमिनल कैविटी अच्छा uh, कभी कभार वेरी रेयरली वेरी वेरी रेयरली आई वांट टू स्ट्रेस देर कुड बी अ हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी हेट्रोटॉपिक मीन्स उसकी एक प्रेगनेंसी यूट्रस में है एंड वायबल और उसकी एक प्रेगनेंसी uh, ट्यूब में हो गई है ठीक है तो दिस इज वेरी रेयरली कैन

और उसके अलावा ये बाकी जगहों में, में भी हो सकती है ओवरी में भी हो सकती है सर्विक्स में भी हो सकती है कैविटी में भी हो सकती है एंड इवन जो सी सेक्शन का प्रीवियस स्कार है उसके ऊपर भी हो सकती है ठीक है और इनफैक्ट एक वीडियो थी मैंने देखी थी देर वॉज एन एबडोम प्रेगनेंसी एंड दे एक्चुअली मैनेज टू लेट द बेबी ग्रो एंड द बेबी वॉज फाइन एंड द मदर इज फाइन कोई काफी लंबी डॉक्यूमेंट्री है खैर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई माइट फाइंड इट एंड सेंड यू द लिंक बट

Uh, और बहुत रेयर ऐसे होता है कि अगर यूट्रस प्रेगनेंसी में मिल जाए तो फिर हम एक टॉपिक का भी सोचें मतलब हेट्रोटॉपिक इज दैट रेयर कि वो मिस हो जाता है इजीली ठीक है uh, उसके अलावा आपको मिलेगा एम टी यूट्रस और विद एंड 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 बी एडनेक्सल एक, मैस ठीक है एम टी यूट्रस विद एन एडनेक्सल मैस और ये काफ़ी सेंसिटिव है आपको अक्सर पता चल जाता है और अगर आपको फ्री फ्लूड मिल रहा है तो हमारे पास मैंने आपको नॉर्मली बताया था सीरम एच सी जी डबल्स एवरी फोर्टी एट आवर्स ठीक है uh, लेकिन एक टॉपिक में ये कम होता है रेज ठीक है तो अगर फोर्टी एट आवर्स में ये डबल नहीं हो रहा है इट मीन दैट इट्स प्रॉब्लम फिर अगर आ, फीमेल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है या फिर आप रबचेट एक टॉपिक का आप सोच रहे हो कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी तो आप जो है उसकी ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग वगैरह करा दोगे ठीक है लेकिन ये है कि ये उसी केस में ज्यादा किया जाता है कि अगर वो रबचेट के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रही क्योंकि मोस्ट जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है वो ऑन द रोन रिजॉल्व हो जाती हैं ठीक है वो रबचर नहीं होती अच्छा प्रेगनेंसी ऑफ अनोन लोकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है Uh, दिखा हुआ कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी की जो uh, फीमेल आती हैं पहले उनकी ना वो मिलती नहीं है कि किधर uh, प्रेगनेंसी है मतलब उनका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव था स्टिक के ऊपर पॉजिटिव था वो आई उनका हमने नॉर्मल जैसे करते हैं अल्ट्रासाउंड टू चेक फॉर द बेबी और वो हमें यूट्रस में भी नहीं मिला और हमें कोई एनेक्सल मास वगैरह भी नहीं मिला कुछ भी नहीं तो फिर हम उसको लेबल कर देते हैं ऑफ अननोन लोकेशन ठीक है तो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन में ये है कि आप उसकी जो है कंसेक्यूटिव जो है सीरम एचसीजी कंसंट्रेशंस कराते रहते हो आप इवन एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हो बट दीस आई मीन आई हैवंट सीन इट बीइंग डन दैट ऑफन यूजुअली एचसीजी की वो मेजरमेंट्स एडमिट कर लेते हैं एचसीजी के मेजरमेंट्स करते रहते हैं और उसके अलावा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वेयर इज द प्रेग्नेंसी ठीक है तो इवेंचुअली वो नजर आ जाती है अल्ट्रासाउंड पे बट वेरी रेयरली वो आपको एंडोमीट्य भी भी है मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है पहले मैंने बताया ऑलरेडी सिग्निफिकेंट पोर्सन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेसीज देट एनी ट्रीटमेंट ठीक है और लेकिन ये उन्हीं के लिए ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेंट सही है जो हिमोडाइनमिकली स्टेबल हैं मतलब एसिमटोमैटिक या एसिम्टोमेटिक है या फिर उनको लाइक पेन वगैरह हो रही है

एच सी जी लेवल देते रहने या फिर उनकी आपने मेडिकल मैनेजमेंट करनी है मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हम इंट्रामर मिथोट्रिक सेट देते हैं ठीक है इंट्रामस्कुलर मिथोट्रिक सेट देते हैं एंड लिखा हुआ है कि लेकिन इसकी भी क्राइटीरिया है कि आपने किन को ये देना है एडनेक्सल uh, मास जो है वो लेस देन इन्होंने फोर्टी मिलीमीटर mm लिखा हुआ है इट्स जस्ट टू रिमेंबर सेंटीमीटर ठीक है एडनेक्सल मास जो है इट शुड बी लेस देन फोर सेंटीमीटर डायमीटर और उनका करंट एच सी जी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए अंडर थ्री थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर गिविंग मस्कुलर मीथोट्रिक सेट तो हमें पता है मीथोट्रिक सेट जो है वो डीएनए सिंथिस के साथ इंटरफेयर करती है तो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को जो है वो इंटरफेयर करके जो है उनको इट विल किल ठीक है uh, अच्छा और उन्होंने बताया वे डोज कैलकुलेट करते हैं फिफ्टी मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया अच्छा मीथोट्रिक सेट देने के बाद हमने एच लेना है फोर uh, सेवन 11 ये या आपको याद रखना है फोर सेवन 11 डेज के ऊपर आपने एच लेना है उसके बाद वीकली लेना है अनटिल द एचल बिकम अनडिटेक्टेबल तो हमने इसका क्या कर रहे थे हम लोग आई एम दे रहे थे मीथोट्रिक आई एम मीथो एमिक हम किस क्राइटेरिया में दे रहे थे 4 था और, और इसमें आपने उस, उसको देने के बाद आपने फोर सेवन इलेवन डे पे सीरम एच सी जी किया उसके बाद वीकली एच सी जी किया जब तक लेवल अनडिटेक्टेबल नहीं हो गए तो ये इसका मेन चीजें टू रिमेंबर इसकी कॉन्ट्रो इंडिकेशन क्या हैं Uh, वो मेथोट्रिक सेट से ही रिलेटेड हैं अगर कोई क्रॉनिक लिवर रीनल या वो, वो कोई डिजीज हो कोई हिमाटोलॉजिकल डिजीज हो तो उसमें नहीं देंगे कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो ऑलरेडी इम्यूनोडेफिशंसी हो फिर बेस्ट फीडिंग अगर लेडी कर रही हो तो ये इसकी चार मेन कॉन्ट्राइंडेशन हैं। साइड इफेक्ट्स बस आप इसको रीड कर लें शुड बी सफिशियंट स्टोमेटाइटिस हो सकता है कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है जी आई अपसेट और ये फोटोसेंसिटिविटी आपने याद रखनी है लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है फोटोसेंसीटिविटी का ये आपने याद रखना है ठीक है इसके बाद आप इनको आफ्टर गिविंग मीथोट्रिक आप इनको बताना है टू अवॉइड सेक्शल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और फॉर द नेक्स्ट थ्री अवॉइड कंसीविंग क्योंकि मीथोट्रिक जो है वो ट्रैटोजेनिक है तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन फिर अवॉइड अल्कोहल और मीथोट्रिक जो है काफ़ी सारी मेडिकेशन के साथ वो भी करती है इसका वो.

लैप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट में आपको बता देते लैप्रोस्कोपिक में हम लोग आ, दो चीजें कर सकते हैं हम या फिलोपियन ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ इंजेक्टमी एक सेकेंड मैं इस पे पेज ले लिया हाँ फिलोपियन ट्यूब को हम रिमूव कर सकते हैं उसको कहते हैं हम सेल्फ इंजेक्टमी ठीक है एंड अगर जो दूसरी ट्यूब है वो अगर बिल्कुल हेल्दी है तो आप रिमूव कर सकते हैं इस फिलोपियन ट्यूब को और कोई मसला नहीं है दूसरी ट्यूब से जो है वो प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है प्रॉपरली ठीक है अगर जो दूसरी ट्यूब है वो फॉर सम रीज़न वहाँ फाइब्रोसिस है वहाँ कोई प्रीवियस इन्फेक्शन है कोई भी इशू है तो फिर आप करंट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को सेल्फिन जॉस्टमी से रिमूव करेंगे मतलब आप हल्की सी उसमें कट लगाएंगे आप उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकाल लेंगे और बस उसको क्लोज कर देंगे ठीक है रिकमेंडेड क्या था कि आप इंजेक्ट इंजेक्टमी कर दें लेकिन अगर दूसरी ट्यूब डैमेज है तो आप सेल्प इंजोस्टमी करेंगे ठीक है अच्छा लैपरोस्कोपी जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है लेकिन अगर हमारे पास जो है एंडोस्कोपिक फैसिलिटीज नहीं है या फिर कोई इंटरबोमल बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और एनीथिंग तो आप लेपरटमी की तरफ भी जा सकते हैं ठीक है Uh, फिर अब इन्होंने एंटी डी एडमिनिस्ट्रेशन का बताया गया मैं ऑलरेडी जब मैं आपको पढ़ाया था तो बता दिए थे कि जब हम जब भी एक टॉपिक होती है तो हम उसको इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो लगा देते हैं विद इन सेवेंटी टू आवर्स ऑफ द सर्जरी या ऑफ द एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो वो होगी है रप्चर होगी फेल होगी है ठीक है क्ले हार्ट टेस्ट नहीं करने की जरूरत एट दिस पॉइंट और एंटी uh, डी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर थ्रेट एंड इनकम्प्लीट ए नेचुरल ने मतलब ऑब्वियसली जब नहीं है, के ब्लड से तो फिर जरूरत नहीं है बट एक्टॉपिक में और सर्जरी uh, में विद इन सेवेंटी टू आवर्स आपने टू फिफ्टी इंटरनेशनल यूनिट देने हैं ठीक है अब हमारे पास लास्ट क्या आया है हमारे पास आया जेस्टेशनल टोफोप्लास्टिक डिजीज और इसमें मैंने आपको बताया था जो एच सी जी के लेवल्स जो नॉर्मल हमारे पास होने चाहिए वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होने चाहिए एट अबाउट फाइव टू सिक्स वीक्स उस पॉइंट पे जब हमें ट्रांसफर जाना अल्ट्रासाउंड के ऊपर सेक वगैरह सब कुछ नजर आता है अगर वो उससे कम है तो इट कुड बी एन एनेक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर एच सी जी लेवल जो हैं उससे ज्यादा हैं परसिस्टेंटली रेज हैं तो वी कैन थिंक ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज ठीक है इसमें हमें ऑलरेडी पता है कम्प्लीट एंड पार्शल हाईटिफॉर्म मोल होता है इनवेजिव मोल हो सकता है कोरियोकार्सिनोमा वगैरह भी हो सकता है ठीक है रिस्क फैक्टर्स क्या थे कोई प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी हुई हो बहुत हाई या बहुत लो मेटर्नल एज हो ठीक है और एशियन रिजन आर ऑल्सो प्री डिस्पोज इसमें अल्ट्रासाउंड पे हमें क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स मिलेगा और परसिस्टेंटली रेज्ड एच सी जी लेवल्स फिर मैनेजमेंट uh, क्या है पहले आप उसको एडमिट कर लें यूट्राइन इवैक्यूएशन करें सक्शन बाईसार्ज विदाउट मीजोप्रोस्टोल और जो सीरियल एच सी जी मेजरमेंट्स हैं वो करते रहें और एस्ट्रोजेंस को अवॉइड करें ठीक है फिर हमारे पास एक और हम हाइपर एमसिसम पढ़ चुके हैं रिस्क फैक्टर क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसीस्टिक डिजीज में होता है इसमें है excessive nausea, vomiting होता है एक्सेसिव होता डिहाइड्रेशन हो जाती है साथ मैनेजमेंट बड़ी सिंपल है इसकी चार चीजें मेन देनी है एंटीमेटिक्स फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट मल्टीवाइटमिन थ्रोमो प्रोफाइल एक्सेस ठीक है तो ये इसका ये चैप्टर है जो अब बिल्कुल खत्म हो गया है ये एक टॉपिक और मिस ये जो दो ये टेबल है वाला और पूरा एक टॉपिक ये आपने अच्छे से जो करना है ठीक है तो अब मैं जो है काफी लंबी ब्रेक लूँगी जरा अपने गले को आराम देने के लिए एंड देन हम कॉन्ट्रसेप्शन करेंगे आई डोंट नो कब करेंगे आई वॉन्ट के मैं एटलीस्ट आधे घंटे की ब्रेक लूँ बट लेट सी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी लिंक ठीक है ना तो इन सी यू गाइज आफ्टर सम टाइम